वुलेदर में भी रूसी सेना का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। वुलेदर में रूसी सेना का प्रचंड प्रहार, यूक्रेन ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले किए हैं। 6 फुटबॉल के ग्राउंड जितने इलाके को दहला दिया है यहां पर। यूक्रेन ने एक साथ रूस के 50 ठिकानों को निशाना बनाया है और उनको उड़ा दिया है, ये तस्वीरों में दिख रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, अवदीवका में भी रूस का बड़ा अटैक देखने को मिला है। डीपीआर लड़ाकों ने मोर्टार से यूक्रेनी ठिकानों को दहला कर रख दिया है। 120 एमएम मोर्टार से दुश्मन पर हमला किया है। डीपीआर लड़ाकों की 87वीं रेजिमेंट का एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का समर्थन करते हैं डोनेस्क पीपल रिपब्लिक के लड़ाके। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, रिएक्शन होना था और रिएक्शन हो रहा है। फिनलैंड की नेटो सदस्यता से रूस बौखला गया है। पुतिन ने कल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला ली है। एक बहुत बड़ी खबर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से जुड़ी हुई। देखिए रूस के टॉप ऑफिसर्स के साथ चर्चा करेंगे पुतिन। नेटो के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है पुतिन। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर, 31वां मेंबर बनने को लेकर रूस बौखलाता हुआ दिख रहा है। पुतिन ने कल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। पुतिन के खिलाफ नेटो की तैयारी कैसे है ये हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पुतिन के खिलाफ नेटो ने फिनलैंड को खुद में शामिल किया, लेकिन पुतिन भी उसके खिलाफ लगातार जुटे हुए हैं। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। देखिए मैं अब इस पर जल्दी से अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। जनरल सिवाच, पुतिन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं, पुतिन के पास ऑप्शन क्या है यहां पर? खास ऑप्शन नहीं है, देखो सच्चाई है गौरव, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है आज की तारीख में, प्रेसिडेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की भी रूस के पास है, मगर ये सच्चाई है कि ये अभी जो 6वां देश होगा जिसकी लैंड बाउंड्री रूस से मिलती है, जो कि नेटो में शामिल हुआ है। पहले पोलैंड था, नॉर्वे था, इस्तोनिया था, लातिया था, लिथोनिया था, और अब फिनलैंड हो गया। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पुतिन से कि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, क्योंकि वहाँ वो नेटो का हिस्सा बन सकता था, तो अब ये जो फिनलैंड जिसका सबसे बड़ा लंबा बॉर्डर है 1340 किलोमीटर, वो ज्वाइन कर गया नेटो, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता नहीं कि अभी उसका एक ही है कि अब उसने नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपनी डिफेंसिस को बढ़ाएगा, और बाल्टिक सी जो कि अभी तक कॉमन था, अब उसके अंदर दबदबा नेटो को हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। चलिए मैं इस बारे में बताऊंगा, और जो हमने आपसे वादा किया था सर, हमने जो वादा किया था बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी से लेकर बैरेंट सी तक हम जरूर दिखाएंगे आप सब कुछ जो हम यहाँ पर आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन देखिए इसी बीच जो जानकारी आ रही है किस तरह से पुतिन ने कल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली है, अब पुतिन क्या कर सकते हैं इस पर सबकी नजर है। लेकिन लगातार फिनलैंड का नेटो में शामिल होने का मामला बड़ा होता जा रहा है।